जी तो व्यूवर्स, एक बहुत बड़ा ब्रांड है दुबई के अंदर जो अभी रिसेंटली स्टाफ की हायरिंग कर रहा है। इसके लिए आप लोग दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग डायरेक्ट जो है कंपनी के ऑफिस में जाके अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आगे चल के मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। बेसिकली बेस्ट जो है वो बेलमैन की है। एज अ फ्रेशर्स अगर आप लोग अप्लाई करना चाहें तो भी आप लोग कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एज अ फ्रेशर्स के लिए कि आप लोग इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी सैलरीज वगैरह की बात की जाए, सैलरी पैकेजेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रोवाइड आपको कंपनी की तरफ से किए जाएंगे। वीज़ा आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी जो बेनिफिट्स हैं, रूम हाउस अलाउंस, वो आप लोगों को कंपनी की तरफ से दिया जाएगा एज द पर कंपनी पॉलिसी। और इसके अलावा जो बेनिफिट्स होते हैं अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन, वो आप लोगों को कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किए जाएगी। इसके अलावा बाकी बात करें अगर हॉलीडेज़ की, तो वीकली ऑफ है। और इसके अलावा जो एयर टिकट्स होते हैं वो आप लोगों को भी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप लोगों को 1 साल के बाद जाएंगे तो आप लोगों को रिटर्न टिकट दिया जाएगा। अगर आप लोग 2 साल के बाद छुट्टी जाते हैं तो आप लोगों को अप एंड डाउन टिकट दोनों कंपनी की तरफ से, यानी आने जाने का दोनों टिकट आप लोगों को कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी है। बाकी इसके अलावा जो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स होते हैं जिससे ग्रेजुएटी कहते हैं, वो भी आप लोगों को कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी है। इस टाइम अगर आप लोग विजिट वीज़ा पे मौजूद हैं दुबई के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चांस है आप लोगों के लिए डायरेक्ट जो है कंपनी के ऑफिस पे जाएं, जाके इंटरव्यू दें। मैं आगे चल के आप लोगों के साथ डिटेल्स वगैरह शेयर कर देता हूँ कौन कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल्स हैं, और इसके अलावा किन वैकेंसीज़ के लिए आप लोग अगर एज अ फ्रेशर से तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया गाइस, बेसिकली टेलीफोन ऑपरेटर्स वगैरह इनकी हो गई, इसके अलावा बेलमैन, तो ये तमाम वैकेंसी जिस टाइम कंपनी में अवेलेबल थे। मैं स्टेप बाय स्टेप आगे चल के आप लोगों को बता देता हूँ। गाइस वीडियो में आगे चलने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे लाजम सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी नेक्स्ट जॉब जो है की डिटेल्स जब मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा सबसे पहले आप लोगों को वीडियो मिले कि आप लोग वीडियो देख के सबसे पहले अप्लाई कर सकें। ठीक होगा गाइस, बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं, आप लोग साथ शेयर कर दूँ कि कौन कौन सी वैकेंसी इस टाइम अवेलेबल हैं। देख सकते हैं हम आपकी स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को बता रहे हैं कंपनी का जो नाम है। सबसे पहले वो मैं आप लोगों के साथ जो बेसिक डिस्क्रिप्शन हैं वो शेयर करूंगा, ताकि जितनी छोटी वीडियो बन सके। अगर ये तमाम जो इस लिंक के ऊपर जो इस वेबसाइट पे डिटेल्स कंपनी ने शेयर की हुई हैं, अगर मैं आप लोगों के साथ ये तमाम की डिटेल्स शेयर करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जानी है। तो शॉर्ट सी वीडियो बना के मैं आप लोग साथ डिटेल्स वगैरह शेयर करूँगा, ताकि आप लोग ईज़िली जो है समझ सकें। बाकी अगर आप लोग डिटेल्स वगैरह देखना चाहेंगे भी, तो मैं आप लोगों को इस वेबसाइट का लिंक जो है प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग ख़ुद इस वेबसाइट पे आके हर चीज़ ख़ुद चेक कर सकें और आप लोगों को तसल्ली हो जाए। ठीक हो गया गाइस, सबसे पहले जो कंपनी का नाम है वो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, दी मैदान होटल से। जॉब लोकेशन जो है दुबई है। कैटेगरी हॉस्पिटैलिटी के रिलेटेड काम वगैरह करते हैं। क्वालिफिकेशंस वगैरह देख सकते हैं, डिग्री डिप्लोमा रिक्वायरमेंट, एक्सपीरियंस मैंडेटरी है कि अगर आप लोग किसी बड़ी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आप लोगों का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। बाकी सैलरीज पैकेज वगैरह की बात की जाए, तो सैलरीज पैकेज वगैरह कंपनी आप लोगों को काफ़ी अच्छे प्रोवाइड किए जाएगी, काफ़ी अच्छे कंपनी की तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस, कि अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस है और आप लोग एक्सपर्ट्स हैं तो आप लोगों को एक्सपीरियंस के रिलेटेड आप लोगों को सैलरीज वगैरह दी जाएगी। अगर आप लोग एज अ फ्रेशर ज्वाइनिंग करेंगे तो आप लोगों को फ्रेशर की सैलरी दी जाएगी, और साथ साथ जब आप लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा तो आप लोगों की सैलरी भी बढ़ा दी जाएगी। बेनिफिट्स एज पर यू लेबर लॉ के मुताबिक है। नेशनलिटी सिलेक्टिव से लास्ट अपडेट आप लोग देख सकते हैं, 14 जून, यानी कि आज ही अपडेट्स हुई हैं कंपनी की तरफ से। ये अभी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर द मैदान दुबई इज़ हायरिंग नाउ कंपनी का मोनोग्राम भी नज़र आ रहा है। ठीक हो गया, कंपनी का ओवरऑल व्यू जो है आप लोगों को नज़र आ रहा है इसके ऊपर। अभी बात करेंगे सबसे जो मेन चीज़ है, एक्सेप्शनल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एट द मैदान होटल्स। अब इसमें कंपनी ने जो एम्प्लॉयमेंट्स की बेनिफिट्स हैं उस चीज़ की डिटेल्स लिखी हुई है। आप लोगों को वीज़ा एम्प्लॉयमेंट कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। पेड एनुअल लीव, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया, हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा, टैक्स फ्री सैलरी दी जाएगी कंपनी की तरफ, कंपनी आप लोगों को प्रोवाइड करेगी। अकोमोडेशन दी जाएगी या हाउस अलाउंस आप लोगों को दिया जाएगा एज़ पर कंपनी पॉलिसी, जो भी कंपनी की पॉलिसी होगी उसके रिलेटेड, या आपको अकोमोडेशन दी जाएगी या आप लोगों को हाउस अलाउंस दिया जाएगा। ठीक हो गया गाइस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दी जाएगी, ट्रेवल टिकट एंड एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट ग्रेजुएटी जिसे कहते हैं, वो भी आप लोगों को कंपनी की ही तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब एट द मैदान होटल इन दुबई।
अप्लाई करने के लिए गाइस सिंपल मेथड है, आप लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो बात है कि मैं आप लोगों को अभी चल के आगे एक लिंक वगैरह सेंड कर देता हूँ, और कंपनी का जो डायरेक्ट एचआर का जो है वो ईमेल एड्रेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि इजीली आप लोग अप्लाई कर सकें। ठीक होगा गाइस, अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। वैकेंसीज़ कौन कौन सी हैं ये मैं आगे चल के आप लोगों को बता देता हूँ। कोई भी वैकेंसीज होती है गाइस डरा ना करें, अप्लाई किया करें। ठीक हो गया, जितनी भी बड़ी बड़ी वैकेंसियों में अभी आजकल के लोग जो बैठे हुए हैं, ये भी कोई एक्सपीरियंस इनका नहीं था, एज ए फ्रेशर्स ही ज्वाइन किया था, और इनका एक्सपीरियंस होने के बाद इनको अच्छी सैलरी और अच्छी पोस्ट मिली हुई है। सबसे पहले बात करेंगे गेस्ट सर्विस एग्जीक्यूटिव्स की डिमांड है, इसके अलावा टेलीफोन ऑपरेटर की जो है वैकेंसी है, बेलमैन की वैकेंसी है। ये टेलीफोन ऑपरेटर और बेलमैन की जो वैकेंसी है, बेलमैन की वैकेंसी के लिए अगर आप लोग फ्रेशर्स हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आप लोग का होना चाहिए तो आप लोग बेलमैन के काम के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। होस्ट चाहिए गेस्ट के लिए, इसके अलावा बरिस्टा चाहिए बारटेंडर के लिए, बारटेंडर की भी वैकेंसी है और बरिस्टा की भी वैकेंसी है। किचन के रिलेटेड कुछ वैकेंसी है, शेफ चाहिए कोल्ड किचन के लिए, इसके अलावा सेल्समैन की वैकेंसीज वगैरह आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रही है। ठीक हो गया गाइस, ये तमाम वैकेंसीज इस टाइम इस कंपनी में अवेलेबल हैं, इजीली आप लोगों ने अप्लाई करना है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है अप्लाई करने के लिए। आप लोग जब अपनी सीवी कंपनी को सेंड करेंगे, कंपनी आप लोगों की सीवी देखने के बाद जो रिक्वायरमेंट टीम है उसको सेंड करेगी, रिक्वायरमेंट टीम आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएगी और आप लोगों का इंटरव्यू होगा। ठीक हो गया गाइस, आप लोगों ने सीवी किसको भेजनी है अब गौर से देखिएगा और गौर से समझिएगा, फिर ये ना कहिएगा कि हम कमेंट्स करके कि हाउ टू अप्लाई। ठीक हो गया, अभी जो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा है, टू अप्लाई सेंड योर सीवी रिक्वायरमेंट एट द रेट मैदान होटल .com, इसके ऊपर आप लोग अपनी सीवी सेंड करें। जो लोग भी इन जो मैंने आप लोगों को वैकेंसी बताई हैं, अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ ईमेल एड्रेस, इसके ऊपर आप लोगों ने अपनी सीवी सेंड करनी है। ठीक हो गया, ईमेल एड्रेस क्या है, requirement@maidanhotel.com, इसके ऊपर आप लोगों ने अपनी सीवी सेंड करनी है। ठीक हो गया गाइस, उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। बाकी इस वेबसाइट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर जाके डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आके आप लोग खुद भी डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं। ठीक हो गया, वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक कर दें, अगर मेरे चैनल पे आप लोग अभी तक नए हैं तो उसे लाजम सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट कोई भी वीडियो जॉब्स के रिलेटेड जब मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोग देखें, और सबसे पहले हमेशा की तरह अप्लाई भी करें। गाइस अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।